हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम जीपीएस सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो जीपीएस क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जीपीएस वो होता है जो हमारी पोजिशन, नेविगेशन और टाइमिंग को बताता है, वो जीपीएस होता है। और जीपीएस जो सिस्टम है इसको यूएसए ओन करता है और इसके अंदर 31 सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन है। तो जीपीएस काम कैसे करता है, जब भी आपको किसी सॉफ्टवेयर में अपने लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए होती है, उस समय आप जो जीपीएस कॉन्स्टेलेशन के सैटेलाइट्स हैं वो आपके फोन से कनेक्टेड रहते हैं जीपीएस रिसीवर के थ्रू। तो एक बार में लगभग 4 सैटेलाइट्स हमें एक्यूरेट लोकेशन बताने के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, और उन सिग्नल्स के इंटरेक्शन से जो एक्यूरेट लोकेशन आती है वो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर शो होने लगती है। जीपीएस जो है 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, पहला स्पेस सेगमेंट, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट और तीसरा यूजर सेगमेंट्स। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आगे बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़ी जीपीएस के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1969 में डिफेंस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम फॉर्म हुआ था। उसके बाद 1973 में नेवस्टार, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसका पुराना नाम नेवस्टार था, वो डेवलप किया गया था। और पहली बार में इसके साथ 1978 में 4 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, जिसको डेल्टा रॉकेट लॉन्च कहा जाता है। उसके बाद इसी के कंटिन्यूएशन में 1993 में इसमें 24 सैटेलाइट लॉन्च की गई इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ, और 1995 में ये फुली ऑपरेशनल हो गई थी। मई 2000 से ये मिलिट्री लेवल की एक्यूरेसी प्रोवाइड कराने के लिए अवेलेबल हो गई थी। तो बात करते हैं स्पेस सेगमेंट की। तो स्पेस सेगमेंट में जो सैटेलाइट्स थी वो अलग अलग फेज में लॉन्च की गई थी, जिसको नेमिंग जो दी गई थी वो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, 2A, ब्लॉक 2R, 2RM और ब्लॉक 2F, ब्लॉक 3, ऐसे नाम दिए गए थे। तो जो ब्लॉक 1 की फर्स्ट लॉन्चिंग थी वो 22 फेब 1978 में हुई थी, और इस टाइम में ये टोटल 11 सैटेलाइट्स थी। ब्लॉक 2 और 2A की फर्स्ट लॉन्चिंग 14 अप्रैल 1989 को हुई थी, और इसके अंदर टोटल 28 सैटेलाइट्स फिर हो गए थे। ब्लॉक 2R और 2RM, जिसमें फिर L2C सिविल सिग्नल और न्यू मिलिट्री कोड M और बोथ L1 L2 सिग्नल्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। इसकी पहली लॉन्चिंग 22 जुलाई 1997 में हुई थी, और इसके अंदर टोटल 21 सैटेलाइट्स और 8 अदर स्पेस सैटेलाइट्स थी। इस ब्लॉक 2 RM में जो R शब्द है ये रिप्लेनिशमेंट और M मॉडर्नाइज्ड के लिए यूज हुआ है। ब्लॉक 2F की पहली सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी वो 2009 में लॉन्च हुई थी। तो जीपीएस कॉन्स्टेलेशन जो है वो कैसे वर्क करता है, अर्थ के ऑर्बिट्स में अगर 24 सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन है तो ये 6 ऑर्बिट 60 डिग्री स्पेसिंग पे बटे हुए हैं, जिसमें एक टाइम में एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स मूव करते हैं, और ऐसे ही 6 ऑर्बिट्स में 4-4 सैटेलाइट मूव करते हैं, जो कि 55 डिग्री के इंक्लिनेशन पे ये ऑर्बिट है। और इन सैटेलाइट्स का जो मास है अप्रोक्सीमेट वो 815 kg, और इनकी लाइफ साइकिल जो है 7.5 ईयर की लाइफ साइकिल है। डेटा रेट जो है इसकी 50 bit/s की है, और ये जो फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करती है ये जीपीएस सिग्नल्स जो है एल बैंड की फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करती है, L1 और L2 बैंड की। तो अगर आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं तो उस टाइम में आपके ऊपर जो है 4 सैटेलाइट सिग्नल्स विजिबल हमेशा एक्टिव रहते हैं जीपीएस कॉन्स्टेलेशन सिस्टम में। तो इस जीपीएस सैटेलाइट व्हीकल के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर 4 एटॉमिक क्लॉक्स रहती हैं, 3 निकल कैडमियम बैटरीज रहती हैं, 2 सोलर पैनल होते हैं जो बैटरी चार्जिंग पे भी चलते पावर जनरेशन भी करते हैं 1136 वॉट का, और इसमें जो एक एस बैंड एंटीना होता है जहां से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल स्टेशन से, ये एस बैंड उसलिए यूज होता है, और 12 एलिमेंट एल बैंड एंटीना होता है जो यूजर के कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड होता है। तो अभी करेंटली जो है 26 ब्लॉक 2 की सैटेलाइट, 2 ब्लॉक 2R की सैटेलाइट्स और ब्लॉक 1 की कोई भी सैटेलाइट अभी एक्टिव नहीं है। ये एक पिक्चर है ब्लॉक 2 सैटेलाइट की। तो अगर जीपीएस की एक्यूरेसी की बात करें तो ये लगभग 15 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, और ये बाकी अदर नेविगेशन सिस्टम की एक्यूरेसी के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है, जिसमें जीपीएस को सबसे ज्यादा एक्यूरेट दिखाया गया है। बाकी लोरन C180 मीटर की, ट्रांजिट 200 मीटर, टैक्टन 400 मीटर, इनर्शियल 1 किलोमीटर, ओमेगा 2 किलोमीटर, ये और भी नेविगेशन सिस्टम्स हैं जो लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उन सब में जीपीएस की एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट की। तो जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट का जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है वो यूएसए के कोलोराडो में
है और इसके अंदर 5 मॉनिटर स्टेशंस हैं, 3 ग्राउंड एंटीनास हैं और बैकअप कंट्रोल सिस्टम्स हैं। ये कंट्रोल सेगमेंट का काम क्या होता है, ये कंट्रोल सेगमेंट्स जो है एस बैंड जो है सैटेलाइट तक पहुंचाती है और सैटेलाइट को कंट्रोल करने का काम सारा जितना भी होता है वो कंट्रोल सेगमेंट से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा यूजर सेगमेंट की। तो यूजर सेगमेंट में जो होता है जितने भी डिवाइसेस है जिसमें सैटेलाइट से जो कनेक्टेड रहते हैं लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके अंदर जीपीएस रिसीवर्स लगे रहते हैं जो कि हमें हमारी एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यूजर सेगमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे जितने भी एप्लीकेशंस हैं ओला उबर स्विगी जोमेटो, ये सारे ही लोकेशन पोजीशन नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एरोप्लेन में इनका इस्तेमाल होता है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो पब्लिक यूजर्स के लिए जो एक्यूरेसी प्रोवाइड की जाती है वो मिलिट्री को प्रोवाइड होने वाली एक्यूरेसी से कम होती है। तो आई होप कि आप सबको जीपीएस सेगमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, जीपीएस स्पेस सेगमेंट कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट क्या है। इसके बारे में और डिटेल में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।